हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको चेहरे से कील मुहासे हटाकर चेहरे को बहुत ही जवां, बहुत ही खूबसूरत बनाने का तरीका बताने वाली हूँ। इस नुस्खे को यदि आप हफ्ते भर तक लगातार अपनाते हैं तो आपके चेहरे पर जितने दाग धब्बे हैं वो गायब हो जाएंगे, साथ में चेहरा बहुत ही गोरा दिखने लगेगा, चेहरे पर चमक बढ़ेगी और चेहरे से झाइयाँ आदि सब खत्म हो जाएंगी। बहुत ही इफ़ेक्टिव नुस्खा है, आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखेंगे। आप एक हफ्ते में ही कह देंगे कि वाह, बहुत अच्छा नुस्खा है, इसका आपको रिजल्ट दिख जाएगा और आप इसको लगातार लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिया गया घंटे का निशान दबा दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा कोई सा भी कंपनी का आप पाउडर ले लीजिए। नॉर्मल पाउडर है जो कि हम घर पर इस्तेमाल करते हैं, बस आप अच्छे ब्रांड का लीजिए, क्योंकि पाउडर में कुछ ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है जो हमारे चेहरे की स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। तो इससे हम एक बेस तैयार करेंगे जो हमारे चेहरे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लेंगे करीब आधा चम्मच पाउडर, तो आपको आधा चम्मच ही पाउडर लेना है। इसके बाद हमें जो अगली चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है बादाम का तेल। बादाम के तेल में विटामिन ई पाया जाता है, ये चेहरे की या त्वचा की नरिशिंग करता है, जो पोषण की ज़रूरत होती है वो पहुंचाता है, जिससे चेहरा जो है अंदर से खिला खिला लगेगा और जो पोषण तत्वों की कमी होगी वो सारी पूरी हो जाएगी। अब इसमें हम अगली चीज़ मिलाने वाले हैं एलोवेरा जेल। ये चेहरे पर कसावट लाएगा, चेहरे से दाग धब्बे कील मुहासे झाइयों को ख़त्म कर देता है, बहुत ज़्यादा असर दिखाता है ये अपना। तो अगर आपके पास एलोवेरा जेल ही वाला नहीं है तो आपके यहाँ पेड़ लगाए, उसका पौधा लगाए, तो आप वो वाला एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। इसके बाद हम बहुत ज़रूरी चीज़ लेंगे, वो है नींबू का रस। नींबू का रस विटामिन सी से भरपूर होता है, विटामिन ये चेहरे के कालेपन को ख़त्म करता है, बहुत तेज़ी से कालेपन को ख़त्म करके चेहरे को गोरा जमा बनाता है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल और मिला लेंगे बादाम का तिल, ताकि अच्छे से एक पेस्ट जैसा बन जाए। तो अब ये देखिए पेस्ट जैसा बन चुका है। अब आपको मैं इसको अप्लाई करने का तरीका बताती हूँ। इसको आपको रात को सोने से पहले चेहरे पर लगाना है। तो एक बार में आपको इतना ही पेस्ट बनाना है, आपको फिंगर की मदद से इसको लेना है और अपने चेहरे पर हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है और इसको रात भर के लिए लगा छोड़ देना है। रात भर में ही आपके ये अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा त्वचा के अंदर और अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। तो इसको आपको लगातार एक हफ्ते तक लगाना है, वो भी रात को सोते समय चेहरे को आपको अपने ठंडे पानी से वॉश कर लेना है, उसके बाद ही इसको आपको लगाना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।